क्या ये कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम ये है देश के जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये हमने मिसाल और मोमती यात्रा निकाली है, जिससे हमारे किसानों को बल पहुंचे और अमरों को अमर हुए शहीदों की आत्मा को शांति पहुंचे। हाँ जी, किसान आंदोलन किस तरीके से गति पकड़ रहा है? किसान आंदोलन अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके पूरे राजस्थान में फैल चुका है और आप पूरे सुखबीर भाई ना केवल देश से बल्कि विदेशों से भी भरपूर मात्रा में सहयोग मिल रहा है और ये किसानों के और इस देश के जमीर की और जमीन की लड़ाई है, ये भूख की लड़ाई है और इसमें अन्नदाता अवश्य जीतेगा और हमारी सरकार से अनुरोध है कि वो किसान की मांग को सुने। ये विश्वास व्यक्त कर रहे हैं कि आंदोलन गति पकड़ेगा। हाँ जी, हमारे देश के जवानों ने उनकी माताओं ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, ये एक छोटी सी पहल है, छोटा सा कदम है उनको याद करने के लिए। हमें पूरे भारतवासियों को एक छोटा सा प्रयास करना चाहिए ताकि उन शहीदों के लिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब इसी तरह उनका जोश बढ़ाते रहें, उनके परिवारों को श्रद्धांजलि समर्पित करते रहें, उनको जोशीला रखें। एक आमजन ने ये श्रद्धांजलि में देखो जी, आज के दिन जो हमारे पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए थे तो उनकी याद में श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली की जथेबंदियों के निर्देशानुसार ये प्रोग्राम पूरे भारत के किसानों जवानों द्वारा निकाला जा रहा है। हम संगरिया की जनता को आग्रह करते हैं कि जो देश में किसान आंदोलन चल रहा है अपना योगदान निभाएं और अपना योगदान दें। और ये थे किसानों के जुलूस कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और काफी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। पुलवामा के शहीद अमर रहे, पुलवामा के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, पुलवामा के शहीद अमर रहे, अमर रहे। और ये मोमबत्तियां जला के, हाँ जी, आज किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश के अंदर किसान मजदूर और व्यापारी 14 फरवरी 2019 को जिस तरीके से पुलवामा में एक साजिश पूर्ण तरीके से सैनिकों पर, हमारे बहादुर सैनिकों पर हमला हुआ, बहुत सैनिक देश के लिए शहीद हुए, उनकी शहादत को याद करने किसान आंदोलन में जो 200 से ज़्यादा किसान अपनी जवान जान गंवा चुके हैं उनको याद करने के लिए आज पूरे देश के अंदर ये कैंडल मार्च आयोजित किया गया है। आज संगरिया का ये कैंडल मार्च उसी का एक हिस्सा है। हम भारत के निवासी इस बात का संकल्प लेते हैं कि हमारे देश के जिन शहीदों ने, जिन नौजवानों ने देश के खातिर कुर्बानियां दी, जिन्होंने कुर्बानी देके देश को आज़ाद करवाया, देश की सीमाओं पर लड़कर जिन्होंने देश की रक्षा की, उन किसानों ने जिन्होंने इस देश की खेती और खलिहान को बचाने के लिए इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर अपने घर से 500-500 किलोमीटर दूर धरना स्थल पर जाकर जो अपनी आहुति दी है उनको याद रखेंगे, उनकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और जब तक हिंदुस्तान की मोदी सरकार इन कृषि के संबंध में पारित तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेती और न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटीड कानून नहीं बनाती तब तक पूरे हिंदुस्तान का किसान आंदोलन की राह पर रहेगा। पूरे देश का मजदूर, पूरे देश का व्यापारी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेगा। ये आज संगरिया का प्रदर्शन आपको दिखला रहा है कि मजदूर, व्यापारी और किसान तीनों तबके आज बड़ी मात्रा के अंदर इस शाम को रविवार होते हुए भी आज यहाँ पर इस कैंडल मार्च के अंदर एकजुट हुए हैं, अपनी एकता को प्रदर्शित किया है। ये एक चेतावनी है भारत सरकार के लिए कि या तो वो मान जाए, या तो मान जाए,
नहीं तो इस देश का नौजवान, इस देश का विद्यार्थी, इस देश का किसान, इस देश का व्यापारी, इस देश का मजदूर हिंदुस्तान की सरकार को झुकाकर उसकी नाक में दम करके ही दम लेगा, अपने घर वापस नहीं जाएगा, वहाँ पर अपनी एकता कायम रखेगा, नहीं जाएंगे और संघर्ष जारी रखेंगे। इसी बातों के साथ ये व्यापारी प्रतिनिधि मंडल और शहर के मुख्य लोग यहाँ पे कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हाँ जी, आज जो पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए संगरिया व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी, व्यापारी, मजदूर, किसान सब इकट्ठे करके श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। और जो तीनों कानून कड़े कानून बनाए हैं उनको जब तक सरकार वापस नहीं लेगी मोदी सरकार, ये आंदोलन जारी रहेगा। हम सारे इकट्ठे हैं, ये इनको वापस लेना पड़ेगा और ये सब किसान, मजदूर, व्यापारी इससे त्राही त्राही मची हुई है, इनको वापस लेना बहुत जरूरी है। हम मोदी सरकार से निवेदन करते हैं कि तुरंत प्रभाव से इनको वापस लें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये व्यापारी और मजदूर और किसान सभी एक संगरिया में, ठीक है।